एक तकलीफ सही हुई नहीं, दूसरी शुरू हो गई है और पता नहीं क्या क्या होना लिखा है। आई और शूट कंप्लीट हो गया है। साड़ी वाला तो आप देख सकते हैं कि ये सब साड़ियों में अभी मैं रेडी हूँ और ये वाला शूट मैं आज कर रही थी। वो देखो सारे अनिका और अनविका के बर्थडे गिफ्ट है जो वहाँ रखे हुए, कुछ वहाँ रखे हुए कुछ वहाँ रखे हुए, इसलिए आपको ये सब ऊपर सब दिख रहा होगा। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज तो है नहीं, तो बस यहाँ वहाँ ऊपर ही रखना पड़ता है ये सब चीज़ें। और राइट, सो नाउ यू कैन सी ये वाली एक साड़ी है जो फाइनल साड़ी थी। मैंने चार साड़ियाँ मंगाई थी अमेज़ॉन से और बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑन द वे हैं आती ही रहेंगी, बनाती ही रहूँगी। मैंने स्टार्ट कर दिया है फाइनली। सो काफ़ी टाइम लगता है यार ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करना, सब करना। मैं बहुत टायर्ड हो रही हूँ, बस मुझे लगा कि चलो ये सब देख लो, ये सब बेबी ईयर्स निकल आए, इसको अच्छे से सेट किया था, लेकिन करते करते वीडियो के एंड में ये सब बाहर आ ही जाता है, चाहे कितना भी कर लो सब आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मेकअप जो था वो कितना नेचुरल लग रहा है, एंड इस तरह का मेकअप जो होता है यही मुझे अच्छा लगता है, फ्लॉलेस भी रहता है। सी मेकअप ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, एंड ऑल्सो जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो मैंने बाल भी स्ट्रेट किए थे जो कि अभी पूरे फैल चुके हैं। यहाँ से पार नहीं हो पाएगी तो प्रिया से चल के जाएगी। मम्मी देखना वो मैट के ऊपर से पूरा हाथ रख के जा रही है। कल हम बाहर गए थे तो मैंने ये बैंड पहनाया था चिकू को। अब ये जो बैंड होते हैं ये अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं बेबी गर्ल्स को पहनाने में, बट ये फैब्रिक के होते हैं और इसका बो ना बड़ी आसानी से खुल जाता है। अब क्या करें ऐसे में, मतलब खुलने के बाद तो फिर कोई यूज़ होता नहीं है क्योंकि वो तो ब्यूटीफुल लगेगा नहीं। सो आपको क्या करना है कि ये बैंड है और ये है इसका बो, जो फैब्रिक आपको ऊपर से लगाया हुआ होता है इसे आप ओपन कर लो और इसे प्रेस कर लेना तो ज़्यादा फिनिश हो जाता है। जस्ट लाइक दिस, ये वाला बैंड है जिसको आपको हेड पे लगाना होता है और ये जो फैब्रिक आप कलरफुल देख रहे हैं ये है बो, जिसका हम बो बनाएंगे अभी टाई करके। सो ऑल यू कैन डू कि आपको ये वाला जो फैब्रिक है कलरफुल वाला उसे बैंड के ऊपर प्लेस करना है और बांधना है। सो फैब्रिक ओपन कर लीजिए और एक हिस्सा इसका पकड़ के अराउंड 3 इंच तक इसे अंदर के साइड में फोल्ड कर देना है और जहाँ से आपने फोल्ड किया है वहाँ से इसे होल्ड करना है और आपके बैंड पर इसे प्लेस करना है, जहाँ पर बैंड की स्टिच होती है ना, सिलाई होती है, वहाँ पर इसको प्लेस कर देना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। सेम आपको दूसरे साइड से भी फोल्ड करना है फैब्रिक को 3 इंच तक अंदर, और जो दूसरा लंबा वाला हिस्सा होगा ना इसे आपको हेड बैंड के अंदर से पास करते हुए, एक साइड से पास करेंगे दूसरे साइड पर निकाल लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये हिस्सा आपको पकड़ करके आपके बो के ऊपर से ओवरलैप करते हुए फिर दूसरे साइड से पास करना है, अगेन नीचे से पास करते हुए दूसरे साइड में लेके जाना है। इन शॉर्ट आपको टाई करना है, तो ऐसे घुमा करके आपने टाई बना दिया। अब लास्ट वाला हिस्सा जो ये हो गया इसे आप लूप के अंदर से निकाल दीजिए फंसाते हुए और बाहर दूसरे साइड में निकाल करके इसे खींच दीजिए, तो टाइट कर देना है बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक बार ये टाइट हो जाए ना, इसका जो बैंड है जो नॉट ये टाइट हो जाए तो चारों तरफ से बैंड को आप फिनिश कर दीजिए, यानी कि बो जो आपने बनाया है, ये फ्लावर जो बनाया है आपने फैब्रिक का, इसे आपको फिनिश कर देना है। एंड दैट्स इट, ये हो गया रेडी। इसी तरीके से आप बाकी के जो बैंड हैं आपके उन्हें भी आप रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। सो है ना, देखो अब इसी तरीके से मैं दूसरा वाला बैंड भी आपको बना के दिखाती हूँ, लेकिन उसे बहुत क्विक करेंगे। कैसा लग रहा है बनाने के बाद, है ना बिल्कुल पहले जैसा। बिल्कुल उसी तरीके से बैंड लिया हमने और ये फैब्रिक जो है इसे हम 3 इंच तक अंदर फोल्ड करेंगे।
ओके गॉड ब्लेस एंड व्हाट एल्स व्हेन आई वाज hurted and when the sir calls he tells to mom and when my checkups be when I go to my class with me and ma'am talk in Hindi we were able she said and she allowed me to draw on the board I only just want to tell her I am able to draw this star but she sent me to draw on the board and then I said अनिका बहुत ब्रेव है ना बहुत ज्यादा ब्रेव है ना मैंने इसको पूरा खुद से निकाल दिया अनिका ने आज हम ड्रेसिंग कर रहे थे अनिका की और अनिका ने बैंडेज अपने पैर से कल वाला खुद से निकाल दिया खुद से निकाल दिया अनिका ने अपने पैर से बैंडेज है ना बस मम्मा ने बस ऊपर से निकाला मैंने इसको पूरा निकाल दिया क्लीन करके हमने लगाया है ये और उसके बाद हम लगाएंगे ये बड़े वाले पर और फिर हमारे पास है ड्रेसिंग टेप जो हम यूज़ करेंगे सो माइनर ड्रेसिंग करेंगे जो मेरे स्कूल में करा था और ये सर पे फैन देखो कितना तेज चल रहा है ये फैन जिससे कि सूख जाए जिससे कि ये थोड़ा सा हमने क्योंकि गीला किया क्लीन किया ये सॉल्यूशन से गीला किया तो इसलिए नहीं होगा डोंट वरी हां मेरा ब्रेव बच्चा आई डिडंट क्राई आज देखो अनिका की नई चोटी हुई है ओ न्यू चोटी माय बन कैन टॉप टू बस करो बस आराम करो ऐसे करो इसको ऐसे करके अब आप लेट जाओ अनिका के स्कूल से कॉल आया मुझे मैम का कि अनिका के पैर में बहुत चोट लग गई है और उसने किसी को भी नहीं बताया शी वॉज ब्लीडिंग और किसी ने उसे पुश किया ऐसा मुझे अदर बच्चों से पता चला और अनिका को तो पता भी नहीं कि क्या हुआ बट शी वॉज इन पेन बैडली ला ला लो लो I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for 1,000 faces, ayy एक तकलीफ सही हुई नहीं दूसरी शुरू हो गई है और पता नहीं क्या क्या होना लिखा है कल की बारिश के बाद आज मौसम बहुत अजीब हो गया मतलब अजीब भी हो गया अच्छा भी हो गया है थोड़ा कल बहुत भयंकर बारिश हुई थी मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही बकवास था बहुत डरावना चलो भाई अब जाते हैं तो जा रहे हैं डेंटल क्लिनिक देखते हैं कि आज हमारा ट्रीटमेंट हो भी पाता है या नहीं जैसे कि कंडीशन यहाँ बताई गई है क्या हुआ कैसे हुआ ये बताऊंगी मैं आपको घर पहुंचने के बाद
इतनी सारी मेडिसिन दे दिया मुझे। एक तो मेडिसिन से मुझे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, मुझे इंजेक्शन लगा दो बट मेडिसिन खाने के लिए प्लीज़ मत बोलो, ऐसा लगता है, जो कि डॉक्टर करते नहीं हैं, मेरी बात कभी नहीं सुनते हैं। ये देखो ये हुआ तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए। और आप बोलते हो स्किन केयर का वीडियो बनाओ, कैसे बनाओ? आज एकदम सही वक्त पे हम लोग आए हुए हैं यहाँ, कभी जब जल्दी पहुँच जाओ ना तभी कुछ नहीं हो पाता है। दुकान का नाम ले लो चार पाँच से, नया स्टोर ओपन, मतलब नया नहीं है, तो पुराना लेकिन नया हो गया है, ट्राई करेंगे ज़रूर। सो गाइस आ चुके हैं हम हमारे डेंटल क्लिनिक पर, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, चलो पहले डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम एक दिन डिले हैं, लेकिन देखो आज होता है या नहीं, क्या होता है, क्या करते हैं, क्या पता चलता है, समझा रहे हैं क्लिनिक में। एंड मैं अपडेट करती हूँ आपको इसके बाद। अरे कोई नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो नॉक नॉक। सो आई वॉज अबाउट टू फिल्म माई ट्रीटमेंट टूडे, लेकिन मेरा फ़ोन, एक तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज स्विच ऑफ होने वाला था, देन डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं, डॉक्टर को दिखाया क्लिनिक पर अभी, और उन्होंने भी वही चीज़ बोला कि अभी नहीं करते, और मुझे भी नहीं करवाना है। क्यों डॉक्टर नहीं यार, अब किसको ब्लेम करो कि क्यों हुआ क्या हुआ, डर गया कि मुझे भी ना मुझे नहीं हो जाए। हाँ तो नहीं तो ठीक है ना, इट्स ओके, मुझे करवाना भी नहीं है, उनको करना भी नहीं चाहिए क्यों, और मुझे ही बढ़ जाए तो यहाँ वहाँ हाथ लगाने में, सेम डे के बाद नेक्स्ट डे क्यों हुआ, ऐसा कौन सा मेरा इम्यूनिटी वीक हो गया एक ही दिन में। ठीक है एनीवे, जो भी है अब इसके बारे में और भी डीप रिसर्च की जाएगी, पढ़ा जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड फ्यूचर में और हो सकता है क्या, लाइफ ही हेलो रखी है, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। सो एनीवेज अभी नहीं हो रहा है और ये नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो अब नेक्स्ट वीक के बाद की कहानी बाद में देखी जाएगी, जो भी होगा वो सब सॉर्ट करके। कल्याण का मैं फ्री में प्रमोशन क्यों कर रही हूँ, सिसरी पीछे कल्याण दिख रहा है, कल्याण हो कल्याण ऐसे करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, खास तुम कल्याण हो तुम्हारा। सो गाइस चलो फिर मिलती हूँ आपसे मैं बाद में, सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी लाइक ऑलवेज बताती है, चुप रहो यार कुछ भी नहीं, मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अच्छा बस मैंने तिल के लिए भी पूछ लिया ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज प्रॉब्लम। इतनी सारी में गले में कितने तिल दिख रही है, मैंने आज मुझे डेंटिस्ट की क्लिनिक पर वो मिरर था उसमें देखा, तो मेरे गले में कितने तिल है यार, जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिए। क्यों बड़ा दिल, चुप रहो, जिसके पास तिल नहीं है उसके पास दिल नहीं है क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा वो सेकंड को अगर देता अपॉइंटमेंट आप मुझे पूछ रहे थे, मैं ध्यान भी नहीं दिया। जवान ने बोला सेकंड को, नहीं नहीं भाई सेकंड को तो नहीं आना है, इतना स्पेशल बर्थडे नहीं मनाना है मुझे, क्लिनिक में केक कट करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू। तो क्यों यहाँ पे कराऊ मैं, डिस्काउंट देंगे क्या बर्थडे का, आपका थोड़ी ना हो रहा है, मेरा हो रहा है, मेरा बर्थडे चला गया। चलो भाई अभी टच नहीं करेंगे इसको, जो भी है ऐसे कैसे बॉडी में कोई वायरस रहता है वो अचानक से प्रकट हो जाता है, जादू है क्या? आजकल मैं रामायण बहुत देख रही हूँ इसलिए मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं, उसी में से कोई राक्षस आ गया है ऐसा लग रहा है, मायावी राक्षस ऐसे प्रकट हो गया है। तो ये डॉक्टर ने तो बोला कि मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई है इसलिए ऐसा हुआ होगा, पता नहीं कैसे इम्यूनिटी वीक हो गई, मैं खाती पीती तो कुछ हूँ नहीं, दिन भर तो मैं रोती रहती हूँ। हाँ खा सकते हैं, उससे तो नहीं होगा ना ट्रिगर, उन्हें तो बैठ रही है,
कैसा लग रहा है पता है यहाँ पर, यहाँ पर मेरा चेहरा कितना साफ दिख रहा है आज वीडियो में, कभी कभी तो साफ दिखता है। हाँ यार मेरे बच्चे के घुटने में दर्द हो रहा है, उसके घुटने फूट गए हैं। मेरे बच्चे हैं तभी इतने ब्रेव हैं। तो मैं नहीं ब्रेव हूँ, इतना स्केरी डिलीवरी करके आई हूँ, सोचो इस बार में सीसीटी में भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो ऐसे किसी अच्छी जगह पे, मुझे इनवाइट कर लेना बस। मुझे लगा था कि आज सब कुछ हो जाएगा, स्पेशली मेरा डेंटल ट्रीटमेंट, बट डिले हो गया और अब हम जा रहे हैं घर। नेक्स्ट वीक थर्सडे जाना है अब। सो गाइस दिस इज मी इन द मॉर्निंग एंड ये मुझे मिला है ऑइंटमेंट लगाने के लिए, यहाँ पर ये जो मुझे हुआ है इन्फेक्शन, सो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसे यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी इस ईयरबड की हेल्प से डायरेक्टली, फिंगर या कुछ और टच नहीं करना है। सो ये एकदम सैनिटाइज्ड एंड अच्छा फ्रेश ईयरबड है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट आई एम गोना हैव दिस मेडिसिन, ये पैक ऑफ 3 मेडिसिन